Hello students, let's solve this question. If the system of equation 2x plus 3y minus 5 equal to 0, 4x plus ky minus 10 equal to 0 has an infinite number of solution, then so basically हमें दो system of equation दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि उनकी जो condition है वो है कि infinite many solutions की condition है। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन इज इक्वेशन नंबर वन इज 2x plus 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस ky माइनस 10 इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब आपको पता ही होगा कि जब भी हम दो इक्वेशंस हमें मिलती है तो उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं वो पहले हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन इज हियर। हमारे पास जो दो इक्वेशन है पहले हम वो लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस ky माइनस 10 इक्वल टू 0 उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं a1 की मतलब इन कोफिशिएंट्स की वो क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, b1 is equal to 3 and b2 is equal to k. Alright, c1 is equal to minus 5 and c2 is equal to how much? It is minus 10. So अब हम इनके रेशियोज निकालते हैं तभी हम उस कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए इट इज a1 upon a2। अगर आप a1 upon a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको मिलेगा 2 upon 4, कैंसिल किया 1 upon 2। ऑलराइट, अगर आप b1 upon b2 की वैल्यू फाइंड करते हैं द वैल्यू इज 3 by k और अगर आप c1 upon c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको मिलेगा -5 by -10। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब अगर हम इनके रेशियोज को कंपेयर कर लें, ओके अगर हम इनके रेशियोज को कंपेयर कर लें तो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम -5 by -10 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 by 2 मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 upon 2 इज इक्वल टू 3 upon k इज इक्वल टू 1 upon 2। ऑलराइट, तो अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन दो को ले लेंगे, चाहे इन दो को ले लीजिए चाहे इन दो को ले लीजिए। तो हम फर्स्ट 2 को ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं हियर 1 by 2 इज इक्वल टू 3 by k और जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 6। राइट, सो आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ k इज वैल्यू ऑफ k इज 6 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज d। ऑलराइट,